अस्सलाम वालेकुम जी, सी डी पी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली हैदर। आज एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, बैरिया ऑर्चर्ड में किस एरिया में आपको एक रीजनेबल बजट में रहते हुए, एक कम बजट में रहते हुए बेहतर अप्रोच के साथ एक रीजनेबल लोकेशन पर आपको 10 मिले का प्लॉट मिल सकता है, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हो या वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो। तो कुछ इस वाले से आज के वीडियो में डिस्कशन की जाएगी कि किस एरिया को आप कंसिडर कर सकते हैं 10 मिले कैटेगरी के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ इस वाले से आज की वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। बेसिकली जैसे कि आपको आइडिया है कि पिछले कम अरसे में बैरिया ऑर्चर्ड फेस वन में जो 10 मिले कैटेगरी के रेट्स में काफ़ी बेहतरी है, G3 और G4 ब्लॉक के मैक्सिमम जो रेट हैं वो 85 तक जा चुके हैं फेसिंग पावर को कॉर्नर कैटेगरी। जनरल कैटेगरी वहाँ पर तकरीबन 75 प्लस माइनस का रेट अभी वहाँ पर चल रहा है। अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए कोई अच्छी ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं, मीनस कि अगर आपका बजट कम है, कम बजट में रहते हुए 10 मिला कैटेगरी का प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन करके जो है वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इसको कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 के G6 ब्लॉक में आपको एक कम बजट में ऑप्शन मिल सकती है 10 मिला कैटेगरी के। कुछ ऑप्शन हमारे पास मौजूद भी हैं। नॉर्मली यहाँ पे कम से कम बजट जो है वो 48 से 52 तक आपको बाउंड्री वाली साइड पे कोई ऑप्शन मिल जाएगी और एक बेहतर लोकेशन में तकरीबन 55 प्लस माइनस में आपको जो है वो इजीली यहाँ पे 10 मिला प्लॉट मिल जाएगा। बाकी मजीद जिस तरह लोकेशन बेहतर होती जाएगी उसी तरह से जो प्लॉट का जो रेट भी है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होता जाएगा। डिपेंड ऑन लोकेशन प्राइसेस हैं, जिस तरह की लोकेशन होगी उसके मुताबिक जो है वो प्राइसेस होंगी। आप अपने बजट के मुताबिक जो है वो एक रीजनेबल लोकेशन आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो और रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हो। और वो हमारे क्लाइंट्स जो कि एक रीजनेबल कम बजट में रहते हुए जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनको भी मैं रेकमेंड करूँगा। अगर तो उनका बजट कुछ 70-75 तक है तो वो G5 या G6 के अलावा G3 और G4 ब्लॉक को कंसीडर करें, क्योंकि वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई भी ऑप्शन कंसीडर करते हैं, बेसिकली आप कोशिश ये किया करें कि अगर कोई भी ऑप्शन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो एक रीजनेबल लोकेशन में, फॉर एग्जांपल 70 तक अगर आपका बजट है तो उसको 1-2 लाख या 3 लाख रुपए और इसमें ऐड करके एक रीजनेबल लोकेशन में परचेज करें, ताकि अगर फ्यूचर में आपका माइंड बनता है सेल आउट करने का, प्लॉट्स के रेट्स में यहाँ पर बेहतरी आती है फ्यूचर में, तो आप अगर आपका माइंड बनता है सेल आउट करने का तो एक इसी एक कम टाइम में आप अच्छे प्रॉफिट के साथ इसको सेल आउट कर सकें। कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कम बजट में रहते हुए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई ऑप्शन कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो बाउंड्री वाली साइड पे कोई ऑप्शन परचेज कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, जो कि फ्यूचर में उसको रीसेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई भी ऑप्शन कंसीडर करें तो कोशिश करें एक रीजनेबल एक बेहतर लोकेशन पे ऑप्शन कंसीडर करें, ताकि फ्यूचर में रीसेलिंग में आसानी हो। बाउंड्री वाली ऑप्शन फ्यूचर में अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अब कंसीडर करें तो फ्यूचर में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको दोबारा रीसेल करना, तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ऑप्शन कंसीडर करें, ताकि एक अच्छा प्रॉफिट भी आप अर्न कर सकें और फ्यूचर में रीसेल भी करने का अगर माइंड हो तो एक रीजनेबल टाइम पे रहते हुए आप उसको ऑप्शन को जो है वो रीसेल कर सकें। इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं फेस 4 की बात करूँ तो फेस 4 में रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अगर आपका बजट कुछ 75 तक है तो आप G3 और G4 ब्लॉक को कंसीडर कर सकते हैं। काफ़ी देर से पिछले कम अरसे में बहुत तेज़ी यहाँ पर घरों का डेवलपमेंट का स्टेटस बहुत बेहतर है। मेन ड्राइवर रोड से बिल्कुल डायरेक्टली अप्रोच है इस बैरियर ऑर्चर्ड फेस 4 की, बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग में अभी आपको ऑप्शंस मिल रही हैं। और अगर आपका बजट कम है और रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो G5 ब्लॉक को आप कंसीडर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि G5 ब्लॉक में बैरियर के ऑथराइज डेवलपर्स की तरफ से 5 मिला डबल स्टोरी हाउसेज और 5 मिला ट्रिपल स्टोरी हाउसेज की डील्स ली गई थी, जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आई थी, जिनका बहुत जल्द पोजेशन मिलने वाला है। बैक साइड पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो एरिया यहाँ पे डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप कोई प्लॉट कंसीडर करते हैं रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए तो आपको इस तरह यहाँ पे बेसिकली यही इशू नहीं होगा कि आप अपना अकेला घर बना के बैठ रहे हैं। ओवरऑल भी यहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस बहुत बेहतर है, स्क्रीन के ऊपर लोकेशन देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की यहाँ पर डेवलपमेंट का स्टेटस है। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर कोई भी प्लॉट कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो या चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, इसके अलावा अगर आप कोई भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहें या किसी और तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cdbrealestate.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।